हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर 7 अ मैंस जॉब की एक्सरसाइज. ओके, हम करेंगे पहले सबसे पहले टिक द करेक्ट. देखिए, रोहन एंड हिज फ्रेंड्स यूज टू प्ले क्रिकेट विथ अ, कौन से बॉल से वो लोग क्रिकेट खेलते थे? कॉर्क बॉल. ओके, निखिल वॉज अ किड एज, निखिल बच्चा था, एज उसकी कैसी थी? 1 month lesser than 9, बस वो 1 महीना छोटा था 9 महीने होने में. ठीक है, निखिल वॉज गोइंग टू रोहन हाउस, निखिल रोहन के घर क्यों गया था? टू मीट हिज ग्रैंडफादर, टू प्ले मोनोपोली, टू कंप्लेन टू हिज मदर. टू प्ले मोनोपोली, मोनोपोली खेलने गया था ना, उसमें उसको इन्वाइट किया था ना रोहन ने. रोहन केम आउट ऑफ हिज हाउस विथ हिज बैट बॉल्स एंड विकेट्स, बैट बॉल और विकेट्स के साथ वो करके बाहर आया था. नेक्स्ट देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. रोहन एंड हिज फ्रेंड यूज टू प्ले अ वेरी रफ गेम ऑफ क्रिकेट, बहुत रफ गेम खेलते थे क्रिकेट का. निखिल एंड रोहन लिव ऑन ग्राउंड फ्लोर्स ऑफ द सेम बिल्डिंग, एक ही बिल्डिंग में रहते थे वो लोग. निखिल वॉज ब्रीथलेस वेन ही रीच द पुलिस असिस्टेंस बूथ, जैसे वो पुलिस असिस्टेंट बूथ पे पहुंचा था वो ब्रीथलेस, मतलब उसको सांस नहीं आ रही थी वो, क्योंकि रनिंग करते करते गया था ना. रोहन वॉन्टेड टू गिफ्ट अ टेनिस बॉल टू निखिल, रोहन कौन सा कैसा गिफ्ट देना चाहता था निखिल को? एक टेनिस बॉल जो उसको स्कूल में मिली थी. निखिल प्लेड द ट्रिक ऑफ स्टील अ वॉच टू ब्रिंग द पुलिस टू रोहन्स हाउस, उसने क्या ट्रिक प्ले की थी कि उसने घड़ी चुराई और लेके भाग गया जिससे कि पुलिस वाले रोहन के घर तक पहुंचे. ठीक है, अब देखिए ट्रू एंड फॉल्स. रोहन यूज टू प्ले अ रफ गेम ऑफ क्रिकेट विद द लेदर बॉल, वो लेदर बॉल से रफ गेम खेलते थे. फॉल्स, निखिल वॉज अलाउड टू प्ले क्रिकेट विद रोहन बाय रोहन्स मदर. फॉल्स, निखिल एक्ट वेरी ब्रेवली फॉर अ बॉय लेसर देन 9 years ऑफ एज इन दिस स्टोरी. ट्रू, निखिल स्टोल द वॉच फ्रॉम द पुलिस बिकॉज ही वॉज अ बैड बॉय. फॉल्स, नन ऑफ द रॉबर्स सिग्नल टू द अदर्स टू कम आउट, वन ऑफ द मतलब एक रॉबर ने उसको सिग्नल दिया था कि बाहर निकलो. ट्रू, तो आपको ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स एंड टेक द करेक्ट, ये तीनों चीज़ें करनी है अपनी कॉपी में. ठीक है, और साथ में लर्न भी करना है. ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.